मोस्टली जुडिशरी की प्रिपरेशन यहाँ पे इस तरीके से होती है कि आप ये फंडामेंटल राइट है, लॉफेगल्टी टाइट है। सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त। सो अभी मैं आ चुका हूँ BHU के LLB 3 ईयर के हॉस्टल, जो कि इनके हॉस्टल का नाम है डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल। और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड है, और जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका हॉस्टल है। तो मैं आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये हॉस्टल कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है। बहुत ही अमेजिंग है। इसको जो BHU की लॉ फैकल्टी है, इसको जजेस फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे जजेस पढ़ते हैं। तो आइए चलते देखते हैं जजेस कैसे रहते हैं, उनका खान पान और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। देख सकते हैं ये हमारे पीछे भगवान दास हॉस्टल है। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं, और हमारे साथ है यहाँ BHU के LLB 3 ईयर के इमिल। हेलो इमिल, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो ये हमें पूरा इसका टूर कराने में हेल्प करेंगे। तो चलिए आइए इनके साथ, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें और कैसा मेस है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो ये फ्रेंड देख सकते हैं बीच में से एकदम सेंटर से हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे 360। यहाँ पे देख सकते हैं शाम का समय और बहुत सारे छात्र यहाँ पे अभी निकले हुए हैं, यहाँ पे आम को तोड़ के यहाँ पे खा रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे लोग अपनी पार्किंग है, यहाँ पे अपने साइकिल और बाइक खड़ी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंदर का व्यू काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो यहाँ पे मेन गेट है और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आए, दिखाते हैं आपको कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या क्या मिल जाता है। हमारे साथ है इमिल जी। इमिल जी क्यों छिप रहे हैं आप? छुप नहीं रहे, गर्मी लग रही है, गर्मी है। माहौल कुछ आज ही हम घर से आए हैं और आज माहौल हमारा बदल गया, यहाँ गर्मी महसूस हो रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में एक ख्याल से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहते हैं क्यों? बिल्कुल नहीं, ये थर्ड ईयर, नीचे हम लोग थर्ड ईयर वाले रहते हैं, फर्स्ट ईयर वाले ऊपर रहते हैं एक साइड में और सेकेंड ईयर वाले ही ऊपर रहते हैं एक साइड में। मतलब ये सी टाइप सी पूरा सर्कल ही है, चारों स्क्वायर है। स्क्वायर में से एक साइड वाले सेकेंड ईयर रहते हैं, एक साइड में फर्स्ट ईयर रहते हैं, नीचे सारे थर्ड ईयर वाले रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर का इधर है वाशरूम, इधर है वाशरूम भी काफी ज्यादा क्लीन और नीट एंड क्लीन लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा है ग्राउंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पूरे खेलने के लिए इन लोग के लिए है। और देख सकते हैं हॉस्टल का व्यू काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है शाम के टाइम। और इसके जस्ट बगल से हो जाती है सीढ़ी जो फर्स्ट फ्लोर को जाती है। और ये देख सकते हैं नीचे अभी सारे बच्चे अभी आए नहीं है ज़्यादा, तो अभी सारे रूम में लॉक लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, जिसमें आ चुके हैं उसमें ताले खुल चुके हैं और सारे कमरे पे नंबर लिखा हुआ है। और वाटर कूलर और डस्टबिन भी है यहाँ जगह, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप चप्पल की ध्वनि सुन पा रहे हैं, बताना चाहिए। इधर देखिए, इधर वाशरूम है और ये इधर फर्स्ट ईयर वाले रहते हैं सारे स्कूल में, और इधर सेकंड ईयर वाले रहते हैं, इधर पूरे सेकंड ईयर वाले रहते हैं। इमिल जी का भी कमरा इधर ही है कहीं। मेरा नाम कृष्णा जी बता है, तो खाल को कर दूंगा अच्छा साउंड होता है। इमिल जी तो मुझे सौर जी का यहाँ पे आप इमेल लेके हम लोग कमरे में चल रहे हैं, दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में उसके कमरे में क्या क्या रहता है और फिर BHU का कमरा कैसा है, इसमें क्या क्या हम लोगों को सुविधाएं मिलती है कमरे में। तो चलिए आइए, वो सब हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये है इमेल का कमरा, जहाँ पे ये हम लोग को अलमीरा मिल जाता है और ये दो टेबल और दो चेयर रहती है। एक और चेयर कहाँ है? इधर। ओके, एक और चेयर पे यहाँ पे बैग रखा हुआ है, देख सकते हैं एक टेबल इधर है, एक टेबल इधर।
पानी की बॉटल और दो बेड और एक विंडो, और इधर सारे लोगों ने अपने कपड़े टांग रखे हैं। यहाँ पे एक मुझे बड़ा ही अजीब चीज़ लगा, वो ये है कि यहाँ की जो छत है वो कर्व है, ये पूरी स्ट्रेट नहीं है, आप देख सकते हैं ये छत कर्व है यहाँ पे, तो ये स्पेशल चीज़ है यहाँ की। और ये देख सकते हैं विंडो, यहाँ से बड़ा अच्छा सीन दिख रहा है सब विंडो में से। विंडो में जाली भी लगी हुई है ताकि मच्छर वगैरह ना आए। चलते हैं, आपको मेस दिखाते हैं। हालांकि मेस अभी बंद है अभी, क्योंकि अभी सारे बच्चे आए नहीं है और इस वजह से मेस दो तीन दिन के लिए बंद है। तो एमिल जी, मेस का खाना कैसा मिलता है? बहुत अच्छा। जिनको जिनको घर में घर से अचानक यहाँ आते हैं तो हाँ। एक हफ्ते तक तुमको खाना बड़ा टेस्टी लगेगा। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली रेगुलर वही खाना खाओगे तो लोगों का होता है कि यार वही खाना तो बोर हो जाते हैं, पर भगवान दास जो स्पेशली लॉ हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे जो सीनियर्स का बिहेवियर है ये कैसा है? आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो कैसा था? अच्छा था, मतलब जो कहते हैं ना कि सपोर्टिव बिहेवियर था, बहुत अच्छा। मतलब और लोग कहते हैं ना कि लोग कि जा रहे हैं तो पता नहीं सीनियर्स हमसे कैसे बिहेव करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वेरी मतलब वेरी हेल्पफुल नेचर, फ्रेंडली, मोस्टली फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि देयर सीनियर तो देयर लाइक अपना पावर दिखा रहे हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे देख लीजिए ये मैस है जो कि अभी बंद है। उधर फिर से बाथरूम आ जाता है। काफ़ी अच्छा व्यू है इस हॉस्टल का, देख सकते हैं आप यहाँ से। और ये देखिए यहाँ का पूरा ग्राउंड इस वक्त तो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है सनसेट के टाइम। फ्रेंड, अभी मेरे साथ है अथर्व जी, तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के और भी चीज़ों के बारे में। तो अथर्व जी, सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है कि आपसे कि यहाँ पे जो क्या रैगिंग होती है यहाँ के हॉस्टल्स में? नहीं, अभी तक तो नहीं होती, अब मैं सीनियर बन गया हूँ, लेकिन सोच तो नहीं रहा हूँ करूँगा। अच्छा, मतलब रैगिंग नहीं होती भी अच्छी होगा? हम लोग आए थे उस वक्त कोई रैगिंग नहीं होती थी और बिल्कुल रैगिंग फ्री कैंपस है। ओके, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है? यहाँ पे मीन्स आपको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाती है एकदम टाइम टू टाइम? मीन्स कहीं कोई दिक्कत आती है तो कैसे आप लोग शॉर्ट आउट करते हैं उस चीज़ को, प्रॉब्लम को? आप इंफ्रास्ट्रक्चर सब देख ही रहे हैं, वैसे भी BHU का इंफ्रास्ट्रक्चर फेमस है, 1400 acres का कैंपस है, एशिया सेकंड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस है। तो ओवरऑल जो मोटा मोटा ऊपर से देखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। बेसिक हमारी लाइब्रेरीज वगैरह का जो भी मतलब लॉ के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल ज़रूरतें होती हैं सीखने के लिए, वो भी मोर देन इनफ मुझे लगता है इस तरीके से हैं। बुक्स की अवेलेबिलिटी और जो भी चीज़ें हैं, मूट कोर्ट हो गया, लीगल एड सेल हो गया, प्लेसमेंट सेल हो गया, सारी फैसिलिटीज़ भी एट पार, तो एटलीस्ट सब कुछ है यहाँ पे। उसके अलावा प्रॉब्लम्स अगर सॉर्ट आउट करनी है तो स्टूडेंट एडवाइज़र और बहुत सारी चीज़ें हैं, धरने वगैरह भी हम लोग काफ़ी करते हैं यहाँ पे, वज्र की गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं ज़्यादातर टाइम आगे खड़े हुए, तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो रही है तो वो सॉल्व करने के लिए अपने पास तरीके भी, मतलब ओवरऑल महीने भर से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं टिकती हमारे सामने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आराम से होती है। ओके, सो अगर जो हॉस्टल का कॉस्ट है रहने का वो कितना आ जाता है? ना के बराबर ही बोलूँगा मैं, मतलब यहाँ 3000 आपको कॉस्ट पड़ेगा खाने का मंथ का, और शायद आपके 2000 फीस है पूरे 6 महीने की। 2000 मीन्स एक साल का 4000, ये तो जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। अभी देखा जाए तो इस टाइम में महंगाई के टाइम में हॉस्टल का बहुत ज़्यादा है। और जो आपके अभी जो जूनियर्स आने वाले हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप इस हॉस्टल में कोई प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है, कोई सेफली रूल फॉलो, कोई स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ का वह ऐसा कुछ, आप जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपके आएंगे यहाँ पे? जूनियर्स जो आने वाले हैं, पहले तो मोस्ट वेलकम पहले बोलूँगा, उसके अलावा एक बैच हमारा जूनियर यहाँ पे पहले से है ही, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ से तो कोई रूल नहीं है जो आपको फॉलो करना है, बाकी भगवान दास का एक ही रूल है, पकड़े नहीं जाना। किस चीज़ में नहीं पकड़े? जो भी गलत काम मतलब रूल एक ही है कि पकड़े नहीं जाना, करना सब है, मना कुछ नहीं है, सब करो बस पकड़े मत जाओ। ओके, तो यहाँ को जो है लॉ फैकल्टी को जजेस फैक्ट्री कहा जाता है, जो बहुत सारे यहाँ पे एलुमनाइज होंगे जो यहाँ पे से जज बने हुए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ के लोग मीन्स लॉ करने के बाद क्या मोस्टली इस बार जो आपके बैच से जाने वाले हैं किस स्टेज में जाने वाले, जुडिशरी प्रिपरेशन करने वाले कोई और? मोस्टली जुडिशरी की प्रिपरेशन यहाँ पे इस तरीके से होती है कि आप ये समझ लो, आप जैसे ही फैकल्टी के अंदर आते हो प्रोफेसर आपको इसी तरीके से तैयार करते हैं, आपका माइंडसेट पूरी तरह से उस तरफ प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से आपको जुडिशरी में अपेयर होना है।
सबका मोस्टली यही सपना होता है यहाँ पे कि जुडिशियर जुडिशियल ऑफिसर्स बनना है। एपीओस बहुत बनते हैं, बेसिकली जुडिशियरी की तैयारी होती है प्रॉपर यहाँ पे। जज फैक्ट्री के नाम से फेमस है, आपने खुद ही कहा। कुछ बैचेस ऐसे मैंने खुद सुने हुए हैं कि पूरे बैचेस 100% बैचेस कहीं ना कहीं जज हैं इस वक्त। इवन जस्टिस बीएस चौहान सुप्रीम कोर्ट में जज हैं इस वक्त, यहाँ पे बीएचयू के एलुमनाई हैं वो। तो पूरा यहाँ पे माहौल है, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो इट इज़ अ हेवन फॉर यू। अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो यूपी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर रेपुटेशन यहाँ इससे ज़्यादा होल्ड करता है। यूपी या फिर ऑल ओवर इंडिया भी बहुत अच्छी रैंकिंग है, सब जानते ही होंगे इस मसले में तो। लेकिन हाँ, जुडिशरी के लिए तो बिल्कुल हेवन से कम कोई वर्ड यूज़ नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। अगर आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो मोस्ट वेलकम, प्लीज कम हियर। फर्स्ट चॉइस आपकी यही होनी चाहिए अगर आपको जुडिशियरी में जाना है तो, इससे बेहतर एनवायरनमेंट। ओके, तो मैंने ये भी सुना है कि जो क्लासेस होती है, क्लासेस करते टाइम सब लोग बोर हो जाते हैं, 9 से 5 तक क्लासेस चलती है शायद, तो क्या उसके बाद पढ़ने का टाइम निकालना और सब कुछ कैसे मैनेज हो पाता है, क्योंकि 9 से 5 क्लासेस बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाती है लॉ में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 9 से 4 या 5 के अराउंड क्लासेस चलती हैं, 1 घंटे का बीच में ब्रेक होता है। अभी हम लोग नीचे आम तोड़ रहे थे, वही थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर रहे थे, चाय वाय पीते हैं। जनरली 5 बजे के बाद हम लोग यहाँ आते हैं तो 2-3 घंटे वही अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, पीछे ग्राउंड्स हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, घूम सकते हैं आप बाहर, जो जिसको जो करना है 2-3 घंटे करते हैं। मोस्टली 8-9 बजे के बाद आप देखेंगे सबको ही अपने रूम्स में कुछ ना कुछ बुक्स को छेड़ रहा है, कर रहा है कुछ तैयारी। सैटरडे संडेज ऑफ रहते हैं आपके, वहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस टाइम को। मैं सीरियसली, मैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत कम पढ़ पाता हूँ, और यहाँ आके एक चीज़ हमेशा, आप जितना पढ़ लो आपको यही लगेगा कि यार मैंने कम पढ़ा है। तो वो 8-9 बजे के बाद यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 2 घंटा अगर आप डेली भी बैठ रहे हो तो हफ्ते के 14 घंटे आराम से निकल के आते हैं, उतनी पढ़ाई होती है। और जो मैं बता ही रहा हूँ, टीचर्स लगातार पहले दिन से फोकस्ड हैं। 9 से 5 बोर ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपके कान में ज़रा सी भी बात जा रही है तो अभी आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, एमसीक्यूज उठा के देखो, ऐसा नहीं लगेगा कि 9 से 5 के बीच में वो चीज़ डिस्कस नहीं हुई है। थोड़ा सा हाँ मेहनत लगती है यार, किसी भी चीज़, बड़ा काम है, मेहनत लगेगी तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा भाई, ऊपर जाना है, बी कंसिस्टेंट। अगर लाइफ में उतना ऊपर पहुँचना है तो कुछ तो सहना पड़ेगा, तो भाई वही कहेंगे कि सह लेंगे थोड़ा और क्या। तो थैंक यू थर्जे हमारे साथ बात करने के लिए। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपका ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ये लोग सीनियर्स आपके हैं कब जवाब देने के लिए, या मैं ही खुद इनसे पूछ के आपको जवाब दे दूंगा। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो भाई, जाते जाते एक नारा सबको सिखा दूं जो भी जूनियर्स आने वाले हैं भाई, फंडामेंटल राइट है, लॉ ऑफ एगल्टी टाइट है। वाह क्या बात है, काफ़ी अच्छा नारा है। चलो भाई।